तो ये है मिस्टर सिंह की नई सवारी। फिर आप अगर सिर्फ मतलब एज अ स्टूडेंट हो जो कि मतलब इंडिया वाले पैसों में रह रहे हो ना, हाँ हाँ, तो ये हमारा कार्ड नहीं है इधर, तो लेट्स मेक अ वीडियो। कुलदीप नहीं, मैं अच्छा नहीं लग रहा। नमक स्वाद अनुसार एंड कुछ ग्रीन कुछ रेड चिली। और जा रहे हैं बेबीज को देखने। कुलदीप दो बेबी कम नहीं थे, और बेबी देखने जा रहे हैं। अभी के टाइम पे तो मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। ऐसे सो गाइज यहाँ पे बन रहा है बहुत ही क्विक लंच, और क्विक लंच में क्या बन रहा है आप लोग देख सकते हो। इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है वर्ल्ड फेमस मैगी, और ये मैगी किसके लिए बन रही है? बन रही है हम लोगों के लिए, घर के मालिक और मालकिन के लिए, क्योंकि मालिक और मालकिन ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूखे हैं बेचारे, काम कर रहे थे अपने घर का, और बस यार बच्चे देख रहे थे एज़ यूजुअल। फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट, सुबह से कुछ टाइम ही नहीं मिला, खाने का कुछ टाइम नहीं मिला, पर हमारा डिनर बन गया। डिनर में आज बनाया है बैंगन का भरता, जो कि काफ़ी दिनों बाद बनाया है। आई थिंक इनफैक्ट काफ़ी सालों बाद बनाया हमारे यहाँ बैंगन का भरता, क्योंकि अब बैंगन बहुत गंद मचाते हैं यार। तो आज कुलदीप ने क्या अच्छा, तो तुमने वो बाहर वाला बर्नर भी ख़राब कर दिया। एक बैड न्यूज़ अभी अभी पता चली है दोस्तों, और मेरा एकदम कुलदीप ने बोला बाहर जाके देखो, मतलब पता नहीं क्या हो गया, बताती हूँ आपको। खैर क्या हुआ, आप लोग भी कहोगे ना कैसे उल्टे लोग हैं, मतलब कह रहे हैं सुबह से टाइम नहीं मिला है, कुछ बनाया नहीं है, आप खा रहे हैं मैगी, रात का डिनर इन्होंने पहले तैयार कर लिया। यार हम क्या करें यार, सारे उल्टे सीधे काम जितने हो सकते ना वो हमारे दिमाग से चलो, मतलब ऐसे ऐसे आइडियाज़ देंगे कि लंच में कुछ नहीं करेंगे बट डिनर बना के पहले रख लेंगे, और फिर कहेंगे हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। और हमारी मैगी हमें बुला रही है, इसमें मसाला डाल देते हैं। सो गाइस इसमें चला गया है मैगी मसाला, इसको हम कर देते हैं, थोड़ा सा करते हैं स्टर, और इसमें और भी मैं डालूंगी, आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ मैगी। सो गाइस यहाँ पे जा रहे हैं चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिलीज, कैप्सिकम, ये सब मैं डालने वाली हूँ इसमें। अभी बोलोगे कैसे डिफरेंट सी मैगी है, छौंक नहीं लगाया, बट यार मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बाद में बताती हूँ। खैर स्टे ट्यून, अभी और भी चीज़ें करनी है। गाइज मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सॉल्ट, लाल मिर्च डाली है, और फिर मैं इसे मिला रही हूँ, मिलाती जा रही हूँ, हिलाइंग हिलाइंग हिलाइंग। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने बटर अपनी मैगी में, आई एम श्योर बटर ट्राई किया है, पर छौंक लगाते वक्त ट्राई किया राइट, बट इसको ऊपर से डालना और फिर खाना और फिर मेरी तारीफ नहीं करी तो बहुत बुरी बात हो जाएगी फिर। गाइज मैंने बटर इसमें डाल दिया है, एवरीथिंग इज सेट नाउ, रेडी टू सर्व। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए यार, मैं भी अच्छी हूँ। तो नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है, और हम लोग जा रहे हैं एज यूजुअल घर के अंदर। यार कुछ था नहीं, मैंने एक दो बार सोचा मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ यार, बट ना कुछ खास था नहीं, वही घर के काम चल रहे थे, मैंने कहा क्या आप लोगों को बोर करना, छोड़ो यार कुछ और करते हैं। सो गाइज व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है, एंड तक देखना, बहुत कुछ है इस व्लॉग में। अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं गाड़ी में बैठ के बताती हूँ। या तो अभी ने थोड़ा सा हिंट दिया, हम जा रहे हैं बेबीज को देखने। कुलदीप दो बेबी कम नहीं थे, और बेबी देखने जा रहे हैं। ये इनका चेहरा बताएगा फिर, और बेबीज क्यों देखने जा रहे हो? अभी ने कहा आई एम सो एक्साइटेड टू सी अदर बेबी, दूसरों के। हमारा हो चुका है भाई, इन दोनों ने हमारा ऐसा पागल बना दिया, हम मतलब बता ही नहीं सकते हमें। खैर एक और हो गया तो मैं तो आइंस्टाइन ही हो जाऊंगा। आइंस्टाइन के तो कुलदीप बाल भी खड़े थे, हमारे तो बाल नहीं बचेंगे जिस हिसाब से मेरे झड़ रहे हैं, और मतलब कुलदीप तो मेरे पे तो नजर ही मत लगाओ, वो खड़े रहेंगे। कहाँ जा रहे हैं इससे पहले कि हम पहुंच जाए? हम घर के बहुत पास जा रहे हैं, आप बताओगे मैं बताऊं? बता दो। ओके देखो तुम भी ऐसे जैसे मैं क्या बता दो, और फिर ऐसे से सुनने के लिए बैठ गए हो क्या? चलो बताओ क्या बताओगे, जिसमें से ये मेरी क्रूतियां निकाल लेंगे कि ये नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे, इसको ऐसे नहीं ऐसे, बट कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से सीखता है, I don't mind। बबल्स लड़के ने पूरी कोशिश करी बताने की हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बबल्स एंड फ्रेंड्स। बबल, अगर आप लोग मेरे बहुत पुराने से ब्लॉग फॉलो कर रहा है अगर कोई, तो आप लोगों को याद होगा अबीर किंडरगार्टन से पहले जाता था प्री के में,
तो बबल एंड फ्रेंड्स वो वाला स्कूल है और वहाँ हम लोग अबीर के लिए तो नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आर्यन के लिए। अब उस एज में पहुंच गए क्या उसे भेजना चाहिए कहीं, यू नो घर पे उसको मतलब हमारे साथ खेल के उसका जी नहीं भरता और हम उसे मंडे टू फ्राइडे इतना एंटरटेन कर भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ आर वर्क। कुलदीप भी बहुत बिजी रहते हैं, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, बट हमें था कि हम 6-7 months तक हम लोग वेट करेंगे जब तक आर्यन थोड़ा स्टडी सा नहीं हो जाता, विंटर्स भी थोड़ी निकल जाएंगी और यू नो दैट वुड बी अन अप्रोप्रिएट टाइम अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ अस कि हम इसे इस टाइम पे भेज सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं उसके ओरिएंटेशन के लिए, उन लोगों ने हमें बुलाया है तो आप लोग हमारे साथ चलो देखते हैं क्या क्या होता है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बट बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा बस मैं क्या कहूँ यार, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ स्पेशली अबीर और आर्यन को लेके। आई एम श्योर सभी मदर्स मेरे साथ रिलेट करेंगी, जब भी पता नहीं मेरे साथ तो अबीर के टाइम पे भी होता है, जब अबीर ने फर्स्ट टाइम जाना स्टार्ट किया था स्कूल में तब भी मेरा ऐसी हालत थी। और आई थिंक कुलदीप अबीर के टाइम से मैं अब ज़्यादा बेटर हूँ, है ना, अब थोड़ा सा पक्के हो गए हैं। बट आई एम श्योर रोने तो मैं उतना ही वाली हूँ, अबीर के टाइम पे तो मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, मैंने इंडिया में सबको फ़ोन करके बताया था, मैंने कहा जब अबीर स्कूल जा रहा है, जब अबीर स्कूल जा रहा है, और मैं तो छोड़ने भी नहीं गई थी, मैं मेरे को था कि मैं नहीं देख सकती, कुलदीप तुम ले जाओ, तुम ही छोड़ कर आओ इसे। हम लोगों का ओरिएंटेशन हो चुका है और अभी हम लोग बाहर आए हैं, पूरी लिस्ट ऑफ सप्लाईज हमें मिल गई हैं, क्या क्या इसे देना है, क्या क्या नहीं देना है, एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें से 50% हमें पता थे, बट ठीक है। पर कुलदीप, हमने आर्यन का देखा क्लासरूम, आर्यन का क्लासरूम कैसा होगा, मैंने वहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चे देखे ना, कुछ तो इससे छोटे थे एक दो तो, और एक दो तो इससे इसके साथ के ही थे, है ना। एवरीथिंग वेंट वेल, एडमिशन हो चुका है भाई का, भाई जाएगा हमारा स्कूल। कैसा लगेगा कुलदीप तुम्हें आर्यन स्कूल जाएगा तो? कुछ नहीं, जाएगा जाएगा। इमोशनल? इमोशनल क्या है, बढ़िया है। अपना काम धंधा चालू शुरू करें। हार्ड इमोशनल होने वाला है ये वाला जो सीन होगा, बट अभी थोड़ा टाइम है उस इमोशनल होने में, बाय द टाइम थोड़ा एक महीना और बड़ा हो जाएगा। हाँ बट ठीक है, मुझे स्कूल के स्टाफ पे कॉन्फिडेंट हूँ मैं, स्कूल पे कॉन्फिडेंट हूँ, स्कूल वाइज तो काफी अच्छा है, स्कूल काफी अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बिकॉज अबीर के टाइम से हम बहुत लोगों को यहाँ पे जानते थे और इस चीज की थोड़ी सी तसल्ली है, थोड़े फेमिलियर फेसेस हैं। अबीर भी स्कूल में जाने वाला हाँ, एक दो महीने के बाद, दो महीने के लिए जाएगा फॉर समर कैंप। हम लोगों ने डिसाइड किया अबीर इस स्कूल में समर कैंप में जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे समर कैंप के प्रोग्राम्स हैं, तो अबीर को हम लोगों ने एनरोल कर दिया है, तो वो अच्छा ना, दोनों भाई एक साथ जाएंगे, कभी कभी अबीर हाय हेलो कराया करेगा। हाँ हाँ, और क्या, मिलने चले जाए बीच में, अबीर को समझा देंगे भाई थोड़ी थोड़ी देर में जाके मिल आएगा, क्योंकि फेमिलियर फेस देखेगा तो थोड़ा आर्यन को भी थोड़ा कम्फर्ट रहेगा ना, छोटा भाई बड़े भाई को देखेगा तो वो पोता ही तो है ना। सो वेलकम बैक अगेन, ये लो आर्यन को लो, अभी हम लोग निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो बताते हैं अभी। टुडे मैं तो हर दिन देखती हूँ, दिन रात देखती हूँ तुम्हें, आज की बात नहीं है। अभी वो क्या था, हेलो था, क्या लेना है तुम्हें कॉफी में? मुझे कॉफी में लेना है कैपेचिनो, क्योंकि बहुत ज्यादा वो मीठा मीठा हो जाता बाकी चीजें, है ना। मेरा हमेशा मन करता है मैं स्टारबक्स के लिए कुछ डिफरेंट ट्राई करूंगी कुछ, और किए भी है मैंने, बिकॉज हमेशा मैं डिसअपॉइंट होती हूँ। अगर हेजलनट ले लो या कुछ भी फ्रेंच में कुछ भी ले लो, मतलब इट इज लाइक टू स्वीट, और मैंने उसे कस्टमाइज करा के भी देख लिया, पर मेरे मीठे मतलब जो मेरे टेस्ट बड के हिसाब से मीठा नहीं होता, तो मैं हमेशा कैपेचिनो ऑर्डर करती हूँ। मैंने कहा नो फैंसी कॉफीज, ओनली अपनी देसी कैपेचिनो। मुझे लगा जैसे मैंने कैपेचिनो बोला गाड़ी ये पीछे क्यों जाने लगी, अभी तो तुम्हारे हाथ उस पे ही थे फोन पे। आज निकलना हमारा था बहुत जरूरी है ना, क्योंकि काम नहीं चल सकता ना निकले बगैर हमारा, बहुत दिन हो गए थे ना पैसे खर्च नहीं होते। पैसे नहीं, इनकी ना टांग फड़फड़ा रही थी ना, कहा मैंने कहा आज मैं गाड़ी चला लेती हूँ, अभी रुक जाओ थोड़े दिन, रुक जाओ, लेकिन टांग इनकी ऐसे फड़फड़ा रही थी, मतलब क्या जरूरत है हीरो बनने की, मैं इम्प्रेस्ड हूँ ऑलरेडी, मुझे पता है। फिर पक्का तुम चला पा रहे हो, कितनी जल्दी तुम्हें लेकर आते हैं। सीट गरम, देखो मुझे आज स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, मेरी सीट गरम होगी, मुझे टूटे पैर के साथ कॉफी बनाने लेके जा रहा है ये बंदा, क्या बात है कुलदीप, आखिर क्यों, मैंने तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, मेरे साथ जाते हुए डर लग रहा है तुम्हें।
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब मुझे लेके जाना चाहते हैं, थोड़ा पैम्पर करना चाहते हैं मुझे बहुत देर से, बहुत दिनों से। तो गाइस अब आप लोगों को पता चल चुका है हम लोग निकल चुके हैं कॉफी के लिए, और हम एक ड्राइव पे भी जाएंगे छोटी सी कॉफी उठा के जाएंगे ड्राइव पे। आप तो कॉफी नहीं ले रहे? नहीं देखो भाई मतलब मेरा मन नहीं है इसमें, शायद रेडबुल होगी, ये रेडबुल लेंगे और रेडबुल की तरह भागेंगे। अपडेट ये है पैर ठीक है, ही इज फीलिंग मच बेटर नाउ, और स्टिचेस भी अब बहुत मतलब हील हो ही गए ऑलमोस्ट। एंड आते हैं सिकारी लेके, देखो अभी आपकी सीट बेल्ट लगेगी अब। ओके हाँ सीट बेल्ट, अभी हम जा रहे हैं ड्राइव पे, सीट बेल्ट लगानी मैंडेटरी है और सबको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। डोंट सेंड रॉन्ग मैसेजेस, मेरे व्लॉग में कोई गलत मैसेजेस नहीं जाएंगे, छोटे से बड़ा सारे सीट बेल्ट लगाएंगे। अबीर अपना केक पॉप कर दे, कॉफी आ चुकी है, अबीर सिंह का केक पॉप आ चुका है। हमें देने दे कुछ कपड़े ड्राई क्लीन के लिए, क्योंकि तो मिचु सिंह वही जा रहे हैं कुछ कपड़े ड्राई क्लीन के देने। जिस ड्राई क्लीनर के पास आए ना उसका नाम है प्रीमियर ड्राई क्लीनर्स, जो पता नहीं ऐसा क्यों मुझे याद आता कि मैंने ना जितने ड्राई क्लीनर्स मतलब और भी होंगे, एक तो स्नो वाइट करके बहुत होते हैं, एक मैंने प्रीमियर बहुत देखा, इंडिया में भी बहुत देखा, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है शायद कोई चेन फॉलो करते हैं या इंडिया वाले यहाँ के कॉपी करते हैं, और या ये वाले इंडिया के पता नहीं, बट बहुत सारे ड्राई क्लीनर्स का इंडिया में मैंने नाम प्रीमियर ड्राई क्लीनर सुना है। और वो देखो हमारा भाई हरियाली बन के बैठा है, आज इसकी मम्मी भी हरियाली है, ये भी हरियाली है। कैसा है आपका केक पॉप? गुड, दिन में मिल भी जाएगा। तीन चीजों के $26, तीन चीजों के $26, दो तो तुम्हारे थे, एक अभी थी जाके थे। इंडिया से ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, बट इट्स नॉट लाइक कि इंडिया में 100 रुपए ले रहे हैं और यहाँ पे 800 रुपए ले रहे हैं। हाँ मतलब इंडिया में भी मतलब 300-400 तो फिर भी लेंगे इसी चीज के। हाँ मतलब ठीक है, मतलब विच इज गुड डिसेंट एनफ। तो $25 में आपकी तीन चीजें ड्राई क्लीन हो जाएगी, मतलब ठीक है सुनने में, नॉट बैड। इमीडिएटली जब बंदा डायरेक्ट वो कन्वर्ट करता है ना डॉलर से INR में, तो फिर ऑब्वियसली लगता है, बट एक बार आप यहाँ रहना बाय गॉड, अगर कोई पहली बार आता है ना यहाँ पे, जो भी यहाँ पे ट्रांसफर होता है वो सबसे पहले सोचता है कि कितने रुपए का होगा, ये कितने रुपीज में सोचता है दिमाग कुलदीप, है ना। जब हम लोग लंदन गए ना, मतलब मैं पहले गई थी, आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी होगा, तुम मेरे से पहले से ट्रैवल कर रहे हो, पहले गए मैं तो यही था कि अच्छा ये 10 pound की चीज है, 10 pound इज लाइक 1000 रुपए की, 1000 तो हम ना 100 के मल्टीपल्स का वो देख लेते थे कि कितने के हैं। तो यहाँ पे जब तक खैर US आए तब तक थोड़ा आदत पड़ गई थी, बट हाँ जो पहली बार ट्रैवल करता है उसके दिमाग में तो यही चलता है ये। खासकर आप अगर सिर्फ मतलब एज अ स्टूडेंट हो जो कि मतलब इंडिया वाले पैसों में रह रहे हो ना, हाँ हाँ, या आप टूरिस्ट की तरह आए हो तो फिर खासकर तो छोड़ो, मुझे लगता है हर किसी का जो पहली बार आता है इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, आपको उस कल्चर में थोड़ा सा मतलब होना पड़ता है, रहना पड़ता है, एंड देन फिर चीजें फिर एकदम ऐसा डाइजेस्ट करते हो कि आपका पाचन एकदम स्ट्रांग होता है, आप स्ट्रांगली भागते हो। बट एनीवेज चलते हैं, जय माता दी। लोग पहुंच चुके हैं सपरिवार कॉस्को, निकले तो हम ड्राइव के लिए थे पर मामा पर पता नहीं क्या हुआ, कुछ कह नहीं सकते हमारे पास कोई इस चीज का आंसर नहीं है। हां जी, आई हैव 1 2 3 4, आई हैव 4 पॉकेट्स। इनके पास 4 पॉकेट हैं, इनकी मम्मी के पास 2 हैं, इनके पापा के पास भी 4 होंगी, आर्यन के पास एक भी पॉकेट नहीं है, तो ये हमारे पॉकेट का स्टेटस है। खैर एनीवेज आप हमसे मत पूछो हम कॉस्को कैसे आगे, बट कॉस्को आगे के दोस्तों, तो लेट्स गो। सो गाइस देखो हमारा बंदा क्या लेकर आया है, कुलदीप क्या ये? यस, तो इन्होंने यहाँ पे कॉस्को में ऐसी क्या कहेंगे इसे, पैर में चोट लगी है, अगर आप मतलब नहीं आप चल पा रहे हो, एंड स्पेशली फॉर ओल्ड एज पीपल ऑल्सो, है ना, पैर में चोट है ओल्ड एज पीपल हो कुछ हो, तो आपको ऐसा कॉस्को में ऐसा राइड मिल जाता है, आप इसको चला के अपना घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और आज मिस्टर सिंह इसी पे शॉपिंग करने वाले हैं, आगे बैठ गया हमारा छोटा भाई, अब हम चलेंगे कॉस्को के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ शॉपिंग इस पे होगी, ये है मिस्टर सिंह की नई सवारी। कम्फर्टेबल हो? ये अब मुझे तो लग रहा है तुमसे ज्यादा ये अबीर एंजॉय कर रहा है। यही चला यही चला अबीर, ये तुम आई हैव टू होल्ड इट, यू कांट डू दैट अबीर, ये तुम्हारी ब्लू कार्ड नहीं है बेटा। तो गाइस हम लोग आ गए, लेट्स डू शॉपिंग, और आज थोड़ा फन एक्सपीरियंस होने वाला है। अबीर पेट 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 ये
मैं देख कर आती हूँ बना किस चीज़ का हुआ, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। इसके ऊपर की ये शर्ट है किस चीज़ की? एल्युमिनियम की है। ओके आई थिंक थोड़ा सा और रिसर्च कर लेते हैं बिकॉज ये तो हाँ आई नो मतलब बट थोड़ा सा मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, मतलब इट इज़ नॉट लुकिंग दैट अपीलिंग वाला थिंग, इट इज़ लुकिंग वेरी मतलब लाइक रॉ सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा, बात नहीं लग रही। चलो अभी लेट्स गो, आपके पीछे लोग खड़े हैं, चलो। सो गाइस यहाँ पे अबीर आ गया है मम्मा की हेल्प करने के लिए, जो कि बिल्कुल ऐसे सैर सपाटी कितना घूम रहे हैं, इनका गार्डन हो देखना ज़रा इस लड़के को। स्पेनिश कहाँ? स्पेनिश ढूंढो, आपका हमेशा काम होता है स्पेनिश ढूंढने का। दैट इज़ नॉट स्पेनिश। अभी ये नहीं, इधर आओ। वेट वेट वेट, पिक पिक ये वाला पैकेट, इधर से आओ। अरे उसको पिक कर लो बेटा, वो पिक कर लो। हाँ और ये उठा के ऊपर रख दो, ये हमारा कार्ट नहीं है, इधर रखो इसे, इसको रखो। भाई लड़का हमारा बिल्कुल कंफ्यूज ही आ गया है, क्यों कंफ्यूज ही आ रहे हो बेटा? चलो तो आज मैंने ये भी लिया स्वीट कॉर्न। यहाँ पे माई लिटिल हेल्पर अबीर, भाई वैसे जो भी कहो अबीर काफ़ी मेरे को ना हेल्प करता है बहुत चीज़ों में, कई बार ना फ्रूट्स मैंने लिए नहीं अभी, मैंने कहा वीकेंड आ जाएगा फिर, तो इस हफ्ते का तो हो गया था। अच्छा जिम के लिए गाइस, हमें जिम के लिए अपने फ्लोरिंग के लिए मैट्स देखनी थी, जो कि यहाँ पे मुझे अभी मिस्टर सिंह ने दिखाई हैं और इनका साइज़ वो मुझसे कन्फर्म कर रहे हैं। मेरी आँखें ऐसी हैं ना कि सामने भी लिखा होगा ना तो भी नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा अच्छा जो 2.23 मीटर 24 फीट 24 PI 61 सेंटीमीटर इंटू 61 सेंटीमीटर 24 इंच इंटू 24 इंच। हाँ क्या हो क्या बोल रहे हो? बढ़िया है, ऐसी शॉपिंग कर लीजिए। तुम हमारे आगे आगे भाग रहे हो, हम तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे गाइस बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार ना कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, लज़ानिया मेड विद चीज़ एंड वेजिटेबल्स एंड पोटैटो एंड चीज़, स्पिनच एंड चीज़, फाइव चीज़, मैक एंड चीज़, मैं कैसे बोल रहा हूँ, चीज़ चीज़, ब्रोकली एंड शेडर, बट सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ये कैलोरी ओरिएंटेड है ना, इनमें इतनी कैलोरीज होंगी भर भर के, खुश होके देख के ये सेक्शन खुश होके चली जाती हूँ हमेशा वापस। लज़ानिया सूप, गाइस शॉपिंग होगी ये डन, और इन दोनों का मन नहीं है क्या उतरने का? गाड़ी तक जाओगे? सामान कैसे लेके जाएंगे? कैसी रही आपकी सवारी? देखो तो ना पेपराजी पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और गाड़ियां आगे चल रही होती हैं स्टार्स की। कैसी रही आपकी राइड? बढ़िया बढ़िया रही, ऐसी होनी चाहिए। यू लाइक्ड इट? मिस्टर सिंह की टांग ठीक होने की खुशी में आज हम मुंह मीठा कर रहे हैं कुलदीप, है ना? कुलदीप अभी तो पूरी ठीक नहीं हुई बट हाँ आधी ठीक होने की खुशी में हम लोग मुंह मीठा कर रहे हैं, कुलदीप हमें मुंह मीठा करा रहा है। कुलदीप का फेवरेट हम लोग खाएंगे ट्रिलेशिया केक। सो गाइज आई एम बैक, बच्चे सुलाने के बाद, खाना खाने के बाद, बर्तन साफ करने के बाद और क्या क्या साफ करने के बाद, बस पूछो मत यार हालत खराब हो गई है। कुलदीप इतने दुखी क्यों लग रहे हो यार? कुलदीप मुझे देखो, कुलदीप ना नींदों में नहीं है एक्चुअली। कुलदीप मुझे अभी थोड़ी देर पहले गया, थोड़ी देर पहले नहीं, जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया ना, मैंने कहा चलो यार मुझे अपना वीडियो का थोड़ा एंड वेंड करना है तो लेट्स मेक अ वीडियो। कुलदीप बोला नहीं मैं अच्छा नहीं लग रहा। कुलदीप फॉर यू चॉकलेट केक इट्रिलेशन and this is trileshya cake, this is the famous trileshya cake, india ki rasmalai cake
इंडिया की अंग्रेजी रसमलाई, आई करेक्ट माई सेल्फ, सो दिस इज इंडिया की अंग्रेजी रसमलाई। और पीछे गाना बजा रहे हैं अपने तो अपने होते, मेरे लिए ना ये गाना है ना, बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। होपफुली कुलदीप विल फील बेटर इस वीकेंड तक, दो चार दिन में डांस भी करने लगेंगे, डांस कर करके यू नो आपको और कुछ नए नए क्या कहेंगे, नए नए क्या कहते हैं कुलदीप बताओ यार, हाँ स्टेप्स की बहुत ही बकवास बताओ। दो चार दिन में तो ये डांस भी करने लगेंगे और फिर आपको कुछ नई नई और अच्छी अच्छी व्लॉग्स मिलेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी हमारे साथ। ऑन दैट स्वीट नोट, रिलेशन नोट, वी आर गोइंग टू एंड दिस व्लॉग एज ऑफ नाउ। बस इतना ही था यार दिखाने के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, और मूवी देखा करो नाउ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।